हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम आपके लिए आर्य से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी की प्रैक्टिस कर सकें और अपना लेवल जान सकें। इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हम नेक्स्ट प्रत्येक वीडियो से आपके लिए 20 सवाल लेके आएंगे। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, सूची ए को सूची दो से मिलाकर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में सभ्यताएं दी हैं, जबकि सूची 2 में नदियां दी हैं जिनके किनारे ये सभ्यताएं स्थित हैं। सूची 1 में आहड़, कालीबंगा, गिलुंड और सुनारी दी हुई है, जबकि नदियों में बेड़च नदी, गग्गर नदी, बनास नदी और कांतरी नदी दी हुई है। तो इस सवाल में ऑप्शन 1 नंबर सही है, यानी आहड़ नदी बेड़च नदी के किनारे हैं, कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे हैं, गिलुंड बनास नदी के किनारे हैं और सुनारी कांतरी नदी के किनारे हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस सभ्यता से लोहा गलाने की बटियां मिली है? आपके ऑप्शन ए जोधपुरा सभ्यता, बी आहड़ सभ्यता, सी नगरी सभ्यता, डी रेड की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है ए जोधपुरा सभ्यता। अगला सवाल है, निम्न में से नगरी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, इसकी खोज 1872 में कलाइल द्वारा की गई थी। नंबर 2, नगरी सभ्यता से गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। नंबर 3, यह सभ्यता चित्तौड़ में है। नंबर 4, इस सभ्यता से छिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। आपके ऑप्शन है ए 1 व 2, बी 2 व 3, सी 1 व 4, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल में नंबर 1, 2, 3 और 4 ही कथन सत्य है। अगला सवाल है, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, यह सीकर जिले में अवस्थित है। नंबर 2, यह कांतली नदी के तट पर स्थित है। नंबर 3, इसे भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। नंबर 4, यहाँ से प्राप्त ताम्र उपकरणों में 99% तांबा होता है। आपके ऑप्शन है ए 1 व 3, बी 1 व 4, सी 2 व 4, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल में भी नंबर 1, 2, 3 और 4 ही कथन सत्य है। अगला सवाल है, रेड की सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, यह टोंक जिले में अवस्थित है। नंबर 2, इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। नंबर 3, यहाँ से 3री सदी ईसा पूर्व से 2री सदी तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नंबर 4, यहाँ से भारी मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं। आपके ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी केवल 4। तो इसका सही आंसर है डी केवल 4। तो इस सवाल में नंबर 1, 2, 3 तीनों ही कथन सत्य हैं, जबकि रेड सभ्यता से तांबे के उपकरण नहीं बल्कि लोहे के उपकरण मिले हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कुछ सभ्यताएं दी हैं, जबकि सूची 2 में इनसे संबंधित जिले दिए हैं। इन सभ्यताओं में रेड, बरोर, सुनारी और नलियासर दिए हैं, जबकि जिलों में जयपुर, टोंक, गंगानगर और झुंझुनू दिए हैं। तो इस सवाल में ऑप्शन 2 सही है, यानी रेड टोंक में है, बरोर गंगानगर में है, सुनारी झुंझुनू में है, जबकि नलियासर जयपुर में है। अगला सवाल है, डीडवाना किस कालखंड से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए ताम्रपाषाण से, बी पूरा पाषाण से, सी मध्य पाषाण से, डी नवपाषाण से। तो इसका सही आंसर है बी पूरा पाषाण से। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए तिलवाड़ा, बी बालाथल, सी बागौर, डी बूढ़ा पुष्कर। तो इसका सही आंसर है बी बालाथल। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? आपके ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही आंसर है सी 7। अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा बालाथल का उत्खनन का कार्य किया गया था? आपके ऑप्शन ए बीबीलाल, बी बीएन मिश्रा, सी एसआर राव, डी केनपुरी। तो इसका सही आंसर है बी बीएन मिश्रा। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट प्रत्येक वीडियो से 20 सवाल आपके लिए लेके आएंगे।
तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।